हाल फिलहाल में 337 प्राथमिक स्कूलों में 503 पद समाप्त कर दिए गए। शिक्षक संघ भी ये कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश है, इन 337 प्राथमिक स्कूलों को बंद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पहले भी सैकड़ों स्कूलों को बंद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आप खुद बताइए, इतने सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई टीचर नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, और जहां पर टीचर हैं वहां पर पद समाप्त करके उन स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी पूरे प्रदेश के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए, गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाए, इसके लिए पूरा ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर तैयार किया, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का काम किया। 37,000 से ज्यादा पद हरियाणा के शिक्षा विभाग में स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर आज के दिन में खाली हैं, उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इसलिए हरियाणा के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही आज के दिन में, जिसकी वजह से बेरोजगारी, ये भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है हरियाणा के अंदर, कि पहला आपकी शिक्षा का स्तर बेकार है, शिक्षा अच्छे से नहीं दे पा रहे, और जो युवा अपनी मेहनत से सिस्टम से टकरा के शिक्षित हो जाते हैं उनको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। 37,000 मैंने बताया शिक्षा विभाग में खाली है, और 2,00,000 पद पूरे हरियाणा सरकार के अंदर खाली है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।